शुभकामनाएं। बहुत सुंदर से बात में मिलना हो रहा है और तो जानते क्या कारण थे, पर आज आप सब लोग उत्साह देख बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक पौधे में बात नहीं करना, बात तो वही है जो हम लोग लगातार मीटिंग में बोल रहे हैं। ये आज भी देखा होगा आपने, एक तो 2030 विजन हमेशा वो एक प्रकार से थीम बन रही है राजस्थान की सरकार की। सरकार की थीम है, राजस्थान गवर्नमेंट की थीम है, जो मिशन 2030 टारगेट लेके हम चले, जिससे कि हर वर्ग छात्र युवा महिलाएं मजदूर भी क्यों नहीं हो किसान हो सभी लोग अपने सोच होंगी भाई हम कहाँ तक पहुँचे कैसे पहुँचे तीस तक क्या हमारा टारगेट क्या होना चाहिए वो एक जगह चलना चाहते हैं। इन्वॉल्वमेंट सबको करना की कोशिश कर रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को टारगेट बनाए, 1 करोड़ लोगों को टारगेट बनाए चल रहे हैं, सबसे बात करेंगे और जो आइडिया आएगा उसका एक प्रकार से विजन डॉक्यूमेंट बन जाएगा आगे के। और इसमें मैं आह्वान करूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी, तमाम प्रदेशवासियों को भी, तमाम जो साहित्यकार पत्रकार लेखक प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर जो भी है सब पर हम चाहते हैं सब मिलकर ये डॉक्यूमेंट बनाए आने के लिए। इस छोट के साथ में हम लोगों ने पालन किया, मुझे उम्मीद है कि जो रेस्पॉन्स मिल रहा अभी से सब जगह चर्चा 2030 में रहती है। यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट बनना चाहिए आगे के लिए, राजस्थान कैसा बने ये दिमाग के अंदर है। दूसरा आपने महसूस किया होगा पहली बार देश के अंदर राजस्थान चर्चा है, मुल्क के अंदर केंद्र के अंदर आप कहीं जाओगे देश के अंदर केंद्र में जाओगे अधिकार मिलोगे या किसी मिलोगे पार्लियामेंट में जाओगे पार्लियामेंट के अंदर भी सेंट्रल में तो राजस्थान चर्चा हो लो किसी भी रूप में तो वो पी एच काउंट किया राष्ट्रीय बैस बन गए। उसी ढंग से जो अभी हमने राइट टू हेल्थ एक्ट पास किया, आप लोगों ने कई लोग पढ़ते हुए आर्टिकल्स हिंदू में टाइम्स ऑफ इंडिया में इंडियन एक्सप्रेस में एक से बढ़ के एक आर्टिकल लिखते हैं सर और राजस्थान को अप्रिशिएट कर रहे हैं। राजस्थान में वो कानून पार्टी है जो कहीं नहीं है, चाहे राइट टू हेल्थ हो चाहे गिग वर्कर्स एक्ट वगैरह ने कहा। आपको कल ही या परसों इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो मैथ्यू का आर्टिकल आप पढ़िएगा उसको, वो कह रहा है हिंदुस्तान के हर राज्यों को प्रेरणा लेने दे राजस्थान सरकार और इस एक्ट को दुनिया को कई मुल्कों का आगे आने से एडोप्ट करने के लिए। यानी मतलब कि ऐसे जो क्रांतिकारी फैसले हो रहे हैं वो हम सबको गर्व होना चाहिए राजस्थान। मैं क्या कहना चाहता हूँ, राजस्थान आजादी के पहले से बाद में भी रेगिस्तान इलाके आकाश में पड़ रहते हैं, सदियों से हम भुगते हैं आकाश होते हुए पिछड़ेपन को, पिछड़ेपन भी नाम आता था। आज अगर मैं कहता हूँ उत्तर भारत के अंदर नंबर 1 है आर्थिक प्रगति के अंदर, जैसे मैंने कहा दोपहर को भी कि बड़े राज्यों में नंबर 2 पे समझ लो आप, आने वाले नंबर 1 11.04% 11.04% आते हैं बड़े राज्यों में। और उत्तर भारत की बात करें हम लोग, उत्तर भारत की बात करें हिंदी राष्ट्र हिंदी राज्य की बात करें तो नंबर 1, अब आईटी के अंदर नंबर 1 हम लोग हो गए हैं। कई ऐसे विषय हैं जहां हम लोग नंबर 1 हैं। तो कहने मत एक आज ये हमने क्यों पहल करी 2030 की, आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं। शिक्षा में भी जो आज राजस्थान सरकार आ गई है लगभग 100% आगे रहता, 6 क्षेत्र में पहली बार से मना 6 वो प्रीवियस संस्था जो पंडित नेहरू शुरू करी थी वो राजस्थान में आ गया आई टी आई बाद में कंसेप्ट आया वो भी आ गई, सरकार भी आ गई गैर सरकार हमने सुमित्र को कह करके राजस्थान में कंसल्ट कराया था जब सीपीएससी माता मंत्री थे राजस्थान राजस्थान कौन थे
तब हमने उस शख्स में मुझे रिक्वेस्ट की, वो भी आए थे, उन्होंने प्रारंभ किया जयपुर के पास में जगह काम कर दिया। आज वो बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूट बन गई, एम्स आ गए जोधपुर के अंदर, आज मेरे फिनटेक यूनिवर्सिटी आ रही है आपका, 600 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए बजट के अंदर, बिल्डिंग बनने लग गई है, सारी शर्तों में गिना है सुना आपको वहाँ पर नहीं रहना। तो ये तमाम शर्तें जयपुर में रही है, जोधपुर में कई बनो आई टी सेक्टर में हम काफी जंप करने पड़ा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की बात है, स्टार्टअप में बच्चे आए बहुत आने लगे, उनको सुविधा देने की बात है। तो ये तमाम तरह से जो फैसले दिए जा रहे हैं, राइट टू मिनिमम का इनकम गारंटी बनाया जाता है, ये जो 25 लाख का बीमा कर दिया इंश्योरेंस को कम बात नहीं है। आरजीएसएस डिपार्टमेंट जो आपके आरजीएसएस जो है वो आपके सरकारी कर्मचारी में प्रधान है, जिसमें हमें पार्लियामेंट के लिए भारत सरकार कर्मचारियों के लिए जो सुविधा है मेडिकल की, उस वक्त हमने मेरे रात तक कर्मचारियों के रिटायरमेंट हो गया। तो ये तमाम फैसले आप देखेंगे, अगर आप सब लोग पत्रकार और देखते हैं, तो अगर आप अगर वास्तव में इसलिए करोगे हमारे फैसलों की, तो जल्दी लिस्ट बन गई है कि आपको अच्छा लगेगा राजस्थान कहाँ है कहाँ पहुँच रहा है। ये बात है, मैं समझता हूँ कि अब मैंने गिना है आपको पार्ट ऑफ मीटिंग में कितने काम बंद कर दिए वसुंधरा जी ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने अन्याय किया था, उस वक्त भेदभाव किया था जोधपुर के साथ, एक कॉलेज थी यार, समझ नहीं आती बात इसको क्या कहोगे, दिमाग के दीवारे बंद नहीं कहोगे, एक कॉलेज खुली को बंद करके आप शिफ्ट कर दूसरी मजबूरी शहर के अंदर। और मैंने उन्हें क्या किया, जो मौला कॉलेज देता गया तीन कॉलेज कितने साल में खुली, 200-250 रुपया खुली है, 300 खुली है, 500 वगैरह पढ़ेगी स्कूल में कॉलेज बना दे जाएगा। कहते क्रांतिकारी फैसला राजस्थान कर रहा है, तब हम लोगों ने साझ किया है मिशन 2030, ऐसे ही नहीं किया। छोटे शिविर में बोला गया 1000 छोटे कम से कम पैसे कर देंगे, एक लगभग 1 करोड़ लोगों दे रहे हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी मांग कर रहे हैं कि आप जो है राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ देश के देशवासियों के लिए, दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को निजी है उसको बिजली वगैरह मिलता है, आराम से अपने जीवन व्यतीत करते हैं, हर मजदूर लोग ओल्ड रहते हैं वो क्या करें, उसके बाद में घर में पोते पोते होते भी नहीं मिलेगा, गरीब परिस्थिति ऐसी होती है, मुश्किल होता है जीवन पालन करना, सरकारी ड्यूटी उनको बिजली धर्म या मंत्री की ड्यूटी है। ये काम सब हमने किए, इसलिए वापस कह रहे काम साज करने भारत सरकार को, हम नहीं करते तो उस जगह में क्या पाते। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से हम लोगों की सोच है वो आपके सामने, और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, और ये जो किसानों के ऑक्सीजन ले जाती जमीन है उसके लिए मैं क्या कानून बनेगा, इसके लिए पास हो गया कैसे हम उसको रोकें। तो हर क्षेत्र में हमने काफी प्रगति कर दी है, अभी हमने मन चलो के लिए अभियान चलाया, मन चले जो लड़कियों क्षेत्र रहते कॉलेज के बाहर डर लेते ठग लेते वो बड़ा इश्यू टेक वाला, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पंजाब में क्या, पंजाब में घर घर ट्रक का हो गया, तो राजस्थान में हम चाहते हैं कि इन सब चीजों ध्यान दें। अभी हमने पंप और क्लब बंद करवाया, रात भर डांस से ट्रेन ट्रक चलती रहती है, जंगल से जाते हैं रात में 2-3 बजे 4 बजे निकलते हैं, पास सुबह 6-7 बजे तक रहते हैं। तो सरकार तो एक के बाद एक कदम उठा रही, मंचों के मैंने कहा कि
40 लोगों ने उठा गया जोधपुर के अंदर भी 40 लोगों की हिरासत में लेकर उनका रिकॉर्ड दर्ज किया। थाने में एक ही सीढ़ी के लिए नाम जो कर जोधपुर के इनका एक ही सीढ़ी के लिए फोटो लगा थाने के अंदर तब माने गए। जिस लड़की को इनोसेंट लड़की है आपने दोस्ती की बात छोड़ उसे मैं वो दे रहा हूं, पर जो आप इनोसेंट लड़की को छेड़ रहे हो वो बेचारी क्या करती है, क्या बेचारी परिवार पे खुद पे वो जानती है, उसका इलाज हम करना चाहते हैं। अगर अपराध हो गया अगर तुम राजस्थान छोड़ दो या फिर अखबार छोड़ दो, मनवी का पेश भी कर दिया। तो मैं अपना जो करते जो कोशिश कर रहा हूँ कि राजस्थान एक मॉडर्न स्टेट के रूप में देश के अंदर, ये मेरा मानना है। आज मेरी पेशी भी थी संजीवनी को लेते हुए मेरा आज जो मेरे खिलाफ पेश कर रहा है डिफॉर्मेशन का थर्ड पेशी थी अभी भाव मेरे 6 तारीख 6 तारीख। अब मैं कहना चाहूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री को कोई बात नहीं, मैंने वेलकम किया आपने मेरे खिलाफ माना नहीं किया, पर आपकी ड्यूटी नहीं मोरल ड्यूटी नहीं आपकी नजर जुबान नहीं, आप कम से कम 1.5 लाख लोग मेरे गरीब को आप एनवायरमेंट है। मैंने एज ए गृह मंत्री बात करी थी, मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया पहले जब मेरे पास लोग आए थे जयपुर में आए जोधपुर में आए रोने लगते लोग के पैसे बेचना 50 लाख 25 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ अनन्य स्थिति है। एक बूढ़ा आदमी तो अपना ऑपरेशन नहीं करवा रहा, मैं तो पैसे नहीं करूंगा रिटायर होता है। और मैंने वीडियो कहा भी तुम समझा पिताजी को कि मैं जो चीज योजना लेके आया हूँ पैसा लगेगा नहीं तुम्हारा उस पर कहा नहीं मैं नहीं करूँ उस पैसे करूँ पहले वापस दे रहा हूँ, ऐसे भी किसी का नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बताइए क्या केंद्रीय मंत्री एक पद होता है, हमें भी अच्छा लगा जब उनको एक पोर्टफोलियो मिला, मैंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया था। राष्ट्रपति भवन में मीटिंग थी नीति आयोग की, तो मैंने कहा आपसे हमारे राजस्थान में वरदान है क्योंकि राजस्थान तो पानी को लेकर तरह तरह का मिले, हमें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से वो लापरवाह मंत्री रूप में अपना वो खत्म करेंगे। मतलब नहीं देश में प्रदेशों में क्या इरीगेशन समस्या है क्या पानी समस्या है कोई मतलब नहीं, टाइम पास मंत्री लोग हैं और 1.5 लाख लोग डूबे हुए हैं। आपका इन्वॉल्वमेंट साफ दिख रहा है एसओजी के अंदर, और जो मेरे पास लोग आए मेरे पापा के एसओजी से और रिकॉर्ड जब इनके नाम आए तब जाके मैंने कहा ये भी अभियुक्त है आरोपी है कुछ भी कहती नहीं क्या कहता मैंने आपको पता नहीं अपील करें कि आपको आगे आके इनको पैसा वापस देना है। प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज दे सकते हैं उसी बजाय केस कर दे मेरे को। मैं पूछ रहा हूँ आप जोधपुर के मेंबर पार्लियामेंट में हो अधिकांश जो बाढ़ में के जोधपुर लोग डूबे हुए हैं, बाकी राजस्थान में भी लोग डूबे हुए हैं सीकर के भी हैं सर जयपुर के भी आए थे राज्यों के यहाँ पर ज्यादातर यहाँ के लोग उनको मैं फिल्म से अपील करना चाहूंगा आप आगे आए उनको पैसा वापस दिलवाए मौन धारण क्यों किए उसके ऊपर पूरा परिवार उनका हुआ इसका। मैंने ऐसे नहीं कहा जो मैंने देखा उन्हें बताया गया कि एसओजी के रिकॉर्ड के अंदर जो पूरी जांच हो गई है बदली करना चाहिए वो जो एफएसएल की जांच हो गई एफएसएल मतलब एसओजी जांच करती है एफएसएल का मतलब होता है करीब चार्ट अकाउंटेंट से इन्वॉल्व करके जांच करना वो तो हो चुकी है पूरा मतलब देखा है तो कर लिया गया है ऐसा नहीं है उन्होंने से नाम लिख दिया उनका क्यों नाम देखे गए थे आज मैंने केंद्रीय मंत्री नाम कुछ ने लिखा होगा आप बताइए मुझे कि आज एफएसएल की जांच कर दी गई 15-20-25 तरह पता नहीं कितने चार्ट अकाउंटेंट इन्वॉल्व हुए होंगे एक एक चीज जांच की है उन्होंने पूरी
उसके बाद में ये बताया गया इस प्रकार के तेरह 50-60 लोग बोले हुए तो सच्चाई सच्चाई तो आप गंगा नहीं कर सकते। उन गरीबों को क्या कसूर है? आपको क्या अधिकार है नैतिक अधिकार मंत्री रहने का बता दीजिए जो आदमी पढ़े नहीं करें उन लोगों की। आप प्रयास तो करो, गलती स्वीकार करो, मेरे यहां गलती मेरी हुई है, आगे बढ़ो, हमसे बात करो। अगर स्टेट गवर्नमेंट में मत कर सकते आप बताओ हम लोग करें। अरे मान लो प्रॉपर्टी को सीज करना है आप हमें सेव करो, प्रॉपर्टी को सीज करवाने सेव करने बजाय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंदर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है जो देश विदेश के पैसा होता है उसमें कोई जांच कर सकते हैं, उसको आपने रोका दिया वहां पर, हम जांच नहीं करवा पा रहे हैं। एक बार उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हमें, बार बार एसओजी लिख रही है उनको, टेलीफोन पर आते नहीं वो लोग, क्या आगे नहीं बढ़ाते वो मालूम पड़े और कहां कहां पैसा गया बाहर, वो स्थिति बनी हुई है। ये जो है मुख्यमंत्री जी, ये जो है मुख्यमंत्री जी, आप लगी है क्या लगी आपको तो अब तुमने मुझे चुकवा दिया है तुझे झुके नहीं झुके मैं चुक गया तो मैं तेरा था क्या तेरा था नहीं क्या कर मेरा मतलब था कि जो स्थिति बन गई उनको चाहिए, मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ उनको भी, मुझे दूसरी डिसीजन नहीं दे दीजिएगा, मैं सबसे प्यार मोहब्बत रखता हूँ लाइफ में, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कृपा करके आप आ जाओ, कृपा करके आ जाओ गरीबों को उनकी तरफ देखो, उनके घरों में क्या बिजली होती है आप कल्पना नहीं कर सकते हो, वो इनकी स्थिति बन जाती है। पहली बार मेरे पास लोग आए थे जयपुर में 50-25 लाख की बात करते, मुझे बड़ी रकम लगती थी, बुढ़े आदमी थे उसके अंदर औरतें थी, जो तुम्हें आया तो मैं देखा और ज्यादा विस्फोटक स्थिति है, क्या उनकी ड्यूटी नहीं है क्या ये स्थिति है, वो मुझे चिंता लगी हुई है। मैं चाहूंगा क्योंकि कोर्ट में सब ड्यूटीज है कि ज्यादा करना मेरा उपयुक्त नहीं है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ, हाँ। देखते नहीं होता हूँ अगर मेरी जल्दी जाएगी ये क्या करना है, बाकी तो मैं क्या बात है बाकी तो ये तो छुपा दिए बाकी हमारी बात ये बता दो साहब वो क्या करेंगे आप वो क्या करें। बाकी इस बार जो हमारे जो है हम चाहेंगे चुनाव नहीं चल रहे हैं तैयारी चल रही हमारी, चुनाव में हम चाहते हैं कि नए चुनाव टिकट मिले, चाहे वो जिला परिषद मेम्बर क्यों नहीं, प्रधान क्यों नहीं, पार्षद क्यों नहीं, सभापति क्यों नहीं, जो जीतने वाला है उनको आगे आएंगे आगे आ रहे हैं कि उन्होंने अप्लाई किया है और हमारी जो पीएससी बनी हुई है वो मेम्बर गए हैं, स्टडी करिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो राहुल गांधी सोचते हैं नए लोगों के लिए तो चुने हुए लोग होते हैं जो चुनाव लड़ा जिंदगी के अंदर उनको अवसर देना चाहिए जो राजनीतियों में जरूर करने का। सर सुबह जो है मैं ये निवेदन कर रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत ऐसा क्या करें कि आप और आपकी सरकार इस बात से मुतमिन हो जावे जहां ये काम किस स्तर पर हो सकता है, कोई एक सुझाव गजेंद्र सिंह शेखावत कोई बता सकते ना क्योंकि पैसा लेन देन लेन उन्होंने किया, वो बता दें कि ये प्रॉपर्टी इनके पास है, मेरा नाम इस सीमा तक था, कंपनी में तो संजीव जी तो और भी लोग जेल बैठे हुए तो ये लोग तो वो बता दें कि मेरा इन्वॉल्वमेंट इस रूप में था, अब मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ उनसे। नंबर दो ईडी जो है आपने इसी बात चुपा लिया है मुझे मेरा वाला अच्छा नहीं आप बताइए ईडी ने आता तो मुझे मैं ध्यान नहीं आया पर तुम मानो बोले मैं ईडी मानने वाला हूँ तो मैंने बताया एफएनजीओ फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग यूनिट, दूसरा ईडी वाले, ये क्या ईडी का देश है? ईडी समय मान लीजिए नेताओं पे क्या विपक्ष के लोग हैं, ईडी इनकम रेट सीबीआई
इतने सवाल मैंने मार रही हो, ये विदेश पहला विजय का ईडी फरमाने जा रही है, हर केस ईडी दे देती है हमारे, ये केस क्यों नहीं लेती है, FIU क्यों नहीं आ जाती है भारत सरकार की है। अब मैं सोच रहा हूँ प्राइवेट स्कूल को लेटर लिखू, भाई आप इंटरव्यू करो, चलिए वो पैसा दे दो, मेरे पास यही हथियार बचा अंतिम है, मैं प्रधानमंत्री पद को लिखू लेटर, ये सर से आप जिसकी जांच करो। सर गुजरात और मध्य प्रदेश में जो वो मंत्री जी कहते हैं कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, फिर आप हाईकोर्ट गए क्यों? अगर आप मुस्लिम नहीं हो, आरोपी नहीं हो, तो आप हाईकोर्ट जाके फिर जो भी ऊपर ये केस को सीबीआई जानते कर दो, सीबीआई इनकम ने ईडी तो जानते हैं, आज की तारीख में सीबीआई इनकम ने ईडी ही जानते, तो वो क्यों भेज दिया हाईकोर्ट में पता नहीं, और तो मालूम पड़ गया कि गलती तो सर राज्य सरकार के वकील की भी रही, उन्होंने कोर्ट में ये पहली बार पेशी में कह दिया था कि ये आरोपी नहीं है, इस वजह से स्टे मिला, और फिर उसका जो है सूचित पत्र दिया गया। देखिए बात सुनिए, और ठीक कह रहे हो, एक वकील ने जो सीनियर एडवोकेट था वो भी रहस्य बना हुआ है, रहस्य एक वकील जो है वो कैसे बोल गया वहां पर, उसी वक्त मालूम पड़ते हम लोगों को हाईकोर्ट इतना करनी पड़ी, हमारे सीनियर एडवोकेट जो है इधर बोल गया है, रहस्य में मतलब क्या समझ नहीं, तो नहीं मिलता सर, पहले पेशी में स्टे नहीं मिलता वहाँ पे, और स्टे इसी वजह से मिला है कि उन्होंने वहाँ पे कोर्ट किया था कि किसी भी जात में अभी तक दोषी नहीं, यहाँ पर ये क्यों आए, बहुत गलत काम है, एसओजी के रिपोर्ट में ना हो तो, और ब्रीफिंग हुई है पहले, इतनी पहले ब्रीफिंग से बता दिया, बुला दे गए उन लोगों को, पता नहीं क्या है किया कि वो किस प्रकार से बोल रहे हैं पता नहीं। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लोगों का बात सुने, आप ठीक कह रहे हो, शायद मंत्री जी ने बात कही थी, खाली संजीवनी बात क्यों करते, शायद कहा था मुझे याद नहीं, शायद कहा था, ठीक है वो तो भारतीय गांधी करी उसको, वो इतना बड़ा घोटाला है, उनको जेल बैठे हुए दिल्ली के अंदर, कहीं बैठे हुए जेल में, बहुत बड़ा घोटाला होता है, वो तो देखे हैं इसको, वो देखे हैं तो कहते ना ईडी इस केस को ले रहे, FIU केस को ले रहे, क्यों नहीं ले रहे वो लोग, एसओजी ने अपना काम कर दिया है जो करना था, बहुत गंभीर बात है ये, और हमारे जोधपुर के महावाड़े लोग 1.5 लाख लोग हैं, तो हमें क्या उसे जल्दी नहीं होना चाहिए, राजस्थान के लोग तो वो कहते हैं कि मेरी राजनीति हत्या करने के लिए मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि राजनीति हत्या करने के लिए क्या बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री, ये मैं बात बोल रहा हूँ तो सच्चे बता रहा हूँ, आप आगे बताओ ना, मैं स्पष्टीकरण दो, आप ये पहले जमा नहीं कर रहा, इसमें बोला स्पष्ट से भाई नाम आपका क्यों आया है रिकॉर्ड के अंदर, रणजीत बैंकर होता है, नहीं होता है रणजीत बैंकर होता है, आप कैसे इंकार कर सकते हो, रिकॉर्ड के अंदर होता है, संजीवनी वाले जो पीड़ित लोग हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा जो उनका डूब गया है, ये तो मैं उनके मान कर रहा हूँ, आप पैसे दे दो उन लोगों को, नंबर एक, नंबर दो, ये जो अभी कॉपरेटिव के माध्यम से सीज की प्रॉपर्टी सीज हो गई है, कॉपरेटिव माध्यम से सीज की प्रॉपर्टी शुरू हो गया सीज करना, पर उससे काम नहीं चलेगा जब तक ईडी नहीं आएगी, तब तक आप उस उसमें प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकते, कॉपरेटिव हाईकोर्ट के आदेश से जो बैठा हुआ है क्या कहते हैं उसको लिक्विडेटर, उसके माध्यम से एक बार में जो कॉपरेटिव अधिकारी है वो उसके इंचार्ज है, वो कार्रवाई कर रहा है, उसे नहीं मिलने वाला है, इनको चाहिए ईडी को केस दर्ज करे, FIU वाले मैं कह रहा हूँ आपको पूरा पता करे, रिपोर्ट दे रहा हूँ। जिस तरीके से सरकार कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, प्रभावी कदम भी उठा रहे हैं, आज भी 24 घंटे में 2 बच्चों ने सुसाइड किया है, सरकार को और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हमने मीटिंग की थी अभी, पता के उनके प्रबंधकों को बुलाया, और मैंने कमेटी बनाई, 15 दिन रिपोर्ट दे रही।